क्योंकि ज्यादा हाय दड़बा मचा रखी है उन्होंने। देखते हैं कितना प्रेशर झेलता है कितना नहीं। यहाँ पे तो उतारेंगे चप्पल। हाँ लेट हो गया, लेट हो गया। यहाँ लाशी मारेंगे अंदर चले जाएंगे और फिर हाँ क्या करना है आंटी? मम्मी फिल्म चले? चलेंगे। Hey everyone, hope you guys are doing absolutely fine. Welcome back to the channel and to this amazing vlog. और आज बहुत दिन बाद vlog हो रहा है क्योंकि पिछले एक दो दिन से बिल्कुल भी समय नहीं लग पा रहा था। ऑफिस का काम, ऑफिस का प्रेशर इतना था। इनफैक्ट बीच में एक दिन तो मेरे को ऑफिस भी जाना पड़ा है क्योंकि ज्यादा हाय दड़बा मचा रखी है उन्होंने। देखते हैं कितना प्रेशर झेलता है कितना नहीं। बाकी आप लोगों से खैर मैं कभी दूर नहीं जाने वाला। ये हो सकता है एक दो दिन ना आए vlog, लेकिन ये मैं कभी बंद नहीं करने वाला। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, मैं ब्लॉगिंग कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ ना बंद करने वाला हूँ। फिलहाल तो मम्मी की भी गुड मॉर्निंग हो गई है और वर्षा की भी गुड मॉर्निंग हो गई है। मम्मी की भी गुड मॉर्निंग हो गई। गुड मॉर्निंग। और दीदी देखो आज हमारे समय पर आ गई और इन ये हमारी चप्पलें अंदर पहुंचा दें। लात लूत सी मार गए ना भाई। मैं अपनी चप्पलों से ना परेशान हूँ क्योंकि यहाँ रखी रहती है बेड के सिरा में ना। यहाँ कोई भी आवे लात मार दे ना और चली जा अंदर। ये अंदर की अंदर। तो दीदी जो है हमारी काम वाली वो आती है कैसे? यहाँ पे तो उतारेंगे चप्पल। हाँ लेट हो गया, लेट हो गया। यहाँ लाशी मारेंगे अंदर चले जाएंगे और फिर हाँ क्या करना है आंटी? पहले वो करना है कि क्या करना है? उसको देखो फिर यहाँ वाली चप्पल। हाँ यहाँ वाली चप्पल भी कर दे फिर अंदर को है ना तू। अब फिर शिवम मेरे साथ लड़ा है। मम्मी क्या तुम फुटबॉल खेल रही हो वहाँ? अंदर करते बंद करो। मैंने नहीं करी वो रीता करे। आजा। अच्छा आजकल दीदी एक चीज है, एक स्टोरी तो बताओ दीदी हमें क्या बता रही थी? तो दीदी हमें बता रही थी कि सोसाइटी में ना बहुत दिक्कतें चल रही, काम वालियों के साथ मिल नहीं रही। एक का दीदी ने भला करा, एक को लगाया काम पे, ठीक है। वो उसकी कुछ बहस हो गई अपने मालिक से तो वो दीदी से भी बात नहीं कर रही। दीदी कह रही कि एक तो उसकी भलाई करी मैंने, एक को काम दिलवाया और ऊपर से वो मेरे से भी बात नहीं कर रही। और क्या मैटर हो गया दीदी? किसी उसके घर कुछ चोरी वोरी हो गया? चोरी वोरी चोरी हो गया। हाँ यहाँ पे लगवाया था, उनके घर चोरी भी हो गई। अच्छा तो रीना को पकड़ लिया उसने। चश्मेड़ लगा लिया तुमने, वो चोरी हो गई हमारे घर में। दीदी कह रही कि कान पकड़ लिया मैंने, आज के बाद किसी के घर कोई मेड नहीं लगाऊं, किसी का कोई भला नहीं करूं। वर्षा फिल्म चले आज? RRR। हाँ मम्मी का भी मन था ना बहुत दिन से 3D की फिल्म देखने का, तो वही है 3D में डंकियाँ। मम्मी से पूछता हूँ। मम्मी फिल्म चले? चलेंगे। RRR चले 3D में? बहुत दिन से 3D फिल्म हाँ। देखी है ना, शाम हाँ। का देखता हूँ मैं कोई, ठीक है हाँ। अभी क्या कर रहे हैं आप? मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ बस, फिर इसी न्यूज़पेपर पढ़ूँ, थोड़ा सा आराम करूँगी, फिर थोड़ा सा प्रेस करूँगी। क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, जिंदगी में कुछ एक्साइटमेंट सा चाहिए, एक्साइटेड सा चाहिए कुछ ना। कैसा आएगा एक्साइटमेंट? बोरिंग बोरिंग सी चल रही बहुत दिन से जिंदगी। एक्चुअली गर्मियों में दिन लंबे होते हैं और बोरिंग ज्यादा हो जाता है। हाँ, वही और इंसान सिस्टम पे बैठ के काम करते करते ज्यादा बोर हो जाता है। ऐसा लगे समय खत्म ही नहीं हो रहा। कहीं घूमने चलेंगे? चलो बताओ। देखे कहीं के टिकट्स विकेट्स? देख लो। वैसे मैंने शाम की मूवी के टिकट्स कर लिए ऑलरेडी ना, तो उसके बाद अगर कसर रह जाती है तो फिर हम घूमने का प्लान करते हैं कहीं। डन है ना? डन। अपना एक अच्छा सा हॉलीडे करके हमें, ठीक है? क्यों? डन। बहुत दिन हो गए यार, ये पिछले 2 दिन से ना इतना एग्जॉस्ट हो रहा है, बीच में थोड़ा सा चाहिए हुए बूस्टर। हाँ पिछले 2 दिन से तो इतना ज्यादा एग्जॉस्ट चल रहा है कि व्लॉग करने का ना तो मूड कर रहा ना समय मिल पा रहा, क्योंकि बस तुझे पता ही है क्यों। मैंने वैसे छुट्टी के लिए आज अप्लाई किया, छुट्टी डाल दी ऑलरेडी मैंने, क्योंकि बहुत दिन हो गया था यार काम नहीं हो रहा इतना फालतू। तो मैं दिमाग ही ऐसी तैसी कर रखी दिमाग की ना बहुत ज्यादा। हाँ, वैसे एक ब्रेक जरूरी है। बहुत जरूरी है लाइफ में एक ब्रेक तो चाहिए होता है ऐसे टाइम पे ना। शाम के मूवी के टिकट्स कर लिए? तैयार हो जाइयो टाइम से, लेट ना हो जाइयो। 3D में देखेंगे, 3D में चश्मा लगा के। बहुत पहले देखी थी ना 3D की कोई मूवी? कौन सी? जंगल बुक देखी थी। बैंगलोर। कहाँ चले बाबूजी? रेडी हो गए? बाबूजी जा रहे हैं जिम, क्योंकि टाइमली अगर जिम करेंगे तो ही हम मूवी जा पाएंगे, और अगर मूवी चले गए जिम नहीं गए तो जिम छूट जाएगा, तो इसलिए जिम जाना बहुत जरूरी है। और जिम के बाद क्या चाहिए बाबूजी को? बाबूजी को चाहिए चाय। चाय तैयार चाहिए बाबूजी को, क्योंकि आते ही तुरंत निकलना है। ओह अच्छा ठीक है, समझ रहे हो। हाँ तो टेबल पे मिलेगी आपको चाय।
तो यहाँ मम्मी ने सोफा तोड़ रखा, बिल्कुल लोट पोट, पूरी गर्मियाँ मम्मी यही निकाल लेगी लेट के। अच्छा हमने बेड खाली किया, वो आपके लिए तो किया, कल आप लेटते भी नहीं। वहाँ भी लेटूं मैं शाम को। वहाँ तो आप कम ही लेटते हो, यही लेटते रहो। एक काम करेंगे, उसे दीवान को कर देता है यहाँ और ये सोफे कर देता है वहाँ, ज्यादा बेटर है ना। थोड़े दिन करके देखें, अच्छा डिफरेंस आएगा घर में ना, कर को देख लो, कुछ अलग सा लगेगा। कर तो देंगे बट ये बालकनी बंद हो जाएगी पूरी। कौन सी? ये वाली इधर के। तो दोस्तों देखो आज पूरे गेट पे हमने ब्लैक कलर का ब्लैक पेपर लगा दिया, अब धूप नहीं आएगी यहाँ बिल्कुल भी, नहीं तो बहुत गंदे वाली धूप आती है अंदर। ये क्या कहते हैं फ्लैट्स के ये डिसएडवांटेजेस हैं कुछ, कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी उनके लिए है जिनके सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है गर्मी में ना, तो वो है गर्मियों में थोड़ा सा गर्म हो जाता है ना। जल्दी आ जाना नहीं तो हम छोड़ के चल जाएंगे आपको। ठीक है लेके तो मैं जाऊंगा। नहीं जी हमें रास्ता पता है, हम चले जाएंगे। रास्ता क्या, वैसे उन लोगों का भी टिकट है हमारे साथ, वो लोग तो चलने वाले हैं, तो फिर हम उन लोगों के साथ चल जाएंगे आपको छोड़ के। चलो ठीक है, चाबी कहां लोगों के सामने दे देना। ठीक बाय 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 बाय। तो दोस्तों मैं जिम से आके नहा धो के मस्त एकदम बढ़िया से रेडी हो चुका हूँ और वर्षा भी रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों मैं जिम से आके एकदम मस्त से रेडी हो चुका हूँ और कॉपी कर रही हूँ मुझे है ना, तो अपना स्टाइल डेवलप करना, मेरा को क्यों कॉपी कर रही हूँ। सेल्फ्स को ना हर कोई कॉपी करता है, कोई तारीफ करे ना करे खुद कर लो भैया। और खैर ये चाय बन चुकी है और ये क्या करेला है और वर्षा भी रेडी हो चुकी है। वाओ टटड़ा और मम्मी भी रेडी हो चुकी हैं। और चलो फिर चाय छान लो भाई, कर लो भाई चाय जल्दी। हाँ लेट हो जाएंगे नहीं तो, ट्रेलर भी देखने मुझे 3D में। उनसे तो पूछ लो वो रेडी हैं। आदू की मम्मी तो ये है बबीता जी। बबीता जी अरे ये है गांव की दादी पर शहरी बच्चों के साथ। अरे वो बाहर खड़े हैं, चलो भैया ये हमारी फेमस आंटी आदू की फेमस दादी। आदू के पापा बच्चों के साथ, आदू के पापा पीछे से हाय करते हुए आदू के साथ तैयार। चलो भाई जल्दी चले। ये कौन है? तो भाई हम लोग लिफ्ट में चढ़ चुके हैं और फोर्थ फ्लोर पे जा रहे हैं PVR में। टिकट्स ऑलरेडी हमने ऑनलाइन बुक कर लिए थे, बस जाके बैठना है अंदर और 3D मूवी का आनंद लेना है। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो इधर सब लोग अपनी अपनी सीट पे बैठ चुके हैं अपने अपने चश्मों के साथ। मम्मी कितने टाइम बाद देखेगा आप 3D मूवी? मैं बहुत टाइम बैंगलोर देखी थी। बैंगलोर देखी थी? हाँ 3D में। आज देख रहे बहुत दिन बाद। चलो लग लो बस और क्या, अब ट्रेलर शुरू होने वाला है। तो दोस्तों हो चुका है इंटरवल, कैसे मजे आए पहले बताओ? बहुत अच्छा लगा भाई। मजा आया बहुत है। एक शॉट में तो डर गई थी आप, ऐसा आया जो हाँ अरे वो शेर आया ना, शेर सामने मम्मी डर गई एकदम। हाँ सामने आ गया एकदम जैसे बैठी ना, ऐसा लगा जैसे ग्रुप। हाँ 3D में कई बार लगता है ऐसा ना, देखी जंगल देखी ना। वर्षा कैसा लगा? बिल्कुल चश्मा लगा के देखी, मजा आया। तो दोस्तों अभी हो चुका है इंटरवल मूवी का और बहुत ही मजा आ रहा है फिल्म में। मतलब एक तो फिल्म ही है, बहुत सुना होगा आप लोगों ने भी इसके बारे में, और ऊपर से 3D भी है, तो अलग ही मजा आया इस फिल्म का सच में। और इस फिल्म का सिर्फ और सिर्फ मजा जो आने वाला है वो थिएटर में ही आने वाला है। वैसे थोड़े दिनों में नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी तो आप वहां पे भी देख सकते हो। फिल्म खत्म हो चुकी है, कैसी थी? बढ़िया। तो दोस्तों मूवी हो चुकी है खत्म और बहुत मजा है इनफैक्ट। और 3D काफी टाइम बाद देखी थी लास्ट, मैंने तो खैर देखी थी पद्मावत वगैरह जितनी भी 3D में आती थी बॉम्बे, क्योंकि टिकट्स बहुत सस्ता रहता मुंबई में, तो वहाँ पे 3D में ही देखी है जो भी आती रहती। लेकिन मम्मी ने काफी टाइम बाद बैंगलोर देखी थी लास्ट, मम्मी ने 3D मूवी ना जंगल बुक करके आई थी, तो जंगल बुक करके आई थी वो मूवी देखी थी मम्मी ने बैंगलोर। एक्सपीरियंस बताओ मम्मी कैसा लगा? बहुत अच्छी है ना। फिल्म की स्टोरी कैसी है? स्टोरी है ना आधी पिक्चर में तो ना पता लगा ज्यादा कुछ पता नहीं चला शुरू में। हाँ लास्ट में आकर बहुत अच्छा। शुरू में मम्मी को कुछ ज्यादा समझ नहीं आया था कि क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती गई मम्मी को स्टोरी समझ आती गई कि कौन क्या है, कौन छोटे कैरेक्टर में कौन था, किसका बेटा क्या था, बड़ा होके क्या बना, हो क्या हुआ क्या नहीं, तो धीरे धीरे समझी मम्मी मूवी।
कुल मिलाकर बहुत अच्छी लगी, स्टोरी बहुत बढ़िया है, फुल टू एंटरटेनमेंट है, मतलब आप लोगों ने शायद अब तक तो देख ली होगी क्योंकि बहुत टाइम हो गया था इसे रिलीज हुए भी काफी टाइम हो चुका है, ना देखिए तो देख लो भाई, और नहीं अगर देखने जानी है तो थोड़े दिनों में नेटफ्लिक्स पे भी आ जाएगी, आप वहाँ पे भी देख सकते हो। हमारा बस स्पेसिफिकली मन था इस मूवी को थिएटर में ही देखने का, क्योंकि कुछ मूवीज ऐसी आती हैं जिनका मजा, जिनका लुत्फ सिर्फ और सिर्फ थिएटर में उठाया जा सकता है। हाँ बस वही चीज़ है, KGF का इसलिए प्लान नहीं करा हम लोगों ने क्योंकि मम्मी ने KGF का पार्ट 1 नहीं देखा था और पार्ट 2 के लिए पार्ट 1 देखना बहुत जरूरी था। हाँ आदू को मिली, ये आदू की फ्रेंड, हेलो बोल दो आदू, वेरी नाइस, कितने क्यूट क्यूट से फ्रेंड्स हैं, है ना, वो देख रही है अब भी, चलो आप आ जाओ 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 इधर आ जाओ, वो देखो किस तरह देख रही है। तो दोस्तों हम लोग घर आ चुके हैं और फिल्म को बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से एंजॉय किया हम तीनों ने। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाते हैं, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं कल एक नए वीडियो एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर एंड एज ऑलवेज धन्यवाद।